हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सबका स्वागत है। कैसे हो सब? यहाँ पे सब बहुत बढ़िया होंगे। सब मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ अपनी मस्ती की दुकान से ब्लॉग शुरू, और जो कि पापा और मैं जा रहे हैं पेपर देने के लिए। खैर, पेपर तो मेरा, पापा मेरे को छोड़ने जा रहे हैं वहाँ पे। और अभी पहले हम लस्सी पी लें, तो लस्सी पीने के बाद फिर जाते हैं। एक बज गया है, ढाई बजे तक एंट्री है। तो गाइस, जस्ट अभी मैं घर पे आई हूँ पेपर दे के, और मम्मी कर रही है शाम की पूजा, और साथ ही लेकर आई हूँ मैं मोमो स्टोव में। जल्दी से खाएंगे, जल्दी पूजा कर लो। मतलब पेपर खत्म होने की खुशी में? हाँ। और आज मेरा लास्ट पेपर था, जो कि अब खत्म है एक तरीके से। ऐसा लग रहा है आज मेरी 12th खत्म हुई है। सही है, क्योंकि पेपर के बाद भी मुझे पढ़ना पड़ रहा था, और रिजल्ट वाले दिन भी पढ़ना पड़ रहा था। मौसम भी तो अच्छा हो गया। हाँ, बारिश हो गई थी, बहुत अच्छी। होता अच्छा, पापा मेरा दूर नहीं था ज्यादा, जहाँ V3S मोला ना उसके उधर ही था, तो पापा सीधा सीधा आ ही गए थे, और बारिश हो गई थी, तो बारिश में ज्यादा परेशान होते। अच्छा है घर पे आ गए थे और मौसम अच्छा हो गया। नहीं तो इतनी गर्मी, इतनी धूप में मैं गई थी पूरी चटनी बांधती हुई, जैसा कि आपने मुझे देखा। सो गाइज, मैं लेकर आई थी मोमोज और ये चाउमिन। अब मम्मी ने पूजा करी है। यहाँ देखो, नोनी मेरे जैसा सूट लेकर आई है और एंकलेट लाई है। इसे बहुत वाह, इसने मैं मम्मी मोटर भी बंद कर दी, और इसने लाइट भी बंद कर दी, इसने पंखा भी कर दिया बंद। खुशी हो गई ज्यादा। मोटर तो खोल दे। हाँ, अच्छी लग रही है, बढ़िया। झुमकर नोनी की पैर पे झुमकर झुमा, वही नोनी की एंकलेट भी आ गई। इतना ढूंढा लड़की ने, मिली गई। सो गाइस, नोनी आई थी मुझे लेने के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए, क्योंकि मम्मी बताई थी उनको कब से आवाज मार रही थी, कब से शाम से इंतजार कर रही थी। तो फिर वो मुझे लेने आई थी, मैं फिर बैडमिंटन में खेलिए और अपना सूट भी दिखाने आई थी, सेम मेरे जैसा लेकर आई है कपड़े। और इसी के साथ फिर हम करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे हर न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको सही से मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग के साथ।